गलती तो मेरा ही है भाई, थैंक यू। चैनल अभी गाइस आर डूइंग वेल वेल वेल। हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए। हम लोग जब से रिजॉर्ट आए तब से हम लोगों ने लुप्त नहीं उठाया स्विमिंग पूल को। गोइंग नाउ। अरे वॉच पहन के आ गई, क्या करूँ, वॉच रख दू, उधर ही रख देती हूँ। ओके बर्थडे बॉय। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, यहाँ पे डुबकी मारेंगे। जाओ राजा, मस्त मस्त मस्त। क्या बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा ठंडा है, जाओ। क्यों, क्या कर रही है? मैं भी आ रही हूँ, तुम जाओ ना। तुम एक राउंड मार के आओ ना, देखे जरा। जाओ क्यूटू, देखते हैं कितना जल्दी मारोगे तुम राउंड। मजाक करेगा मजाक। अरे बाप रे बाप रे, मेरी मछली तैर रही है। फाइव फीट फिर तो ठीक है, यहाँ तक रह सकती है। यहाँ तक, वहाँ तक नहीं जा सकती मैं। 4.5 है क्या? हाँ। पर ये ज्यादा लग रहा है मुझे। ये क्या बात लगा है, ये 4.5 लिखा है ना। हाँ ठीक है, ये वाला ये ठीक है। अरे राजा जी यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। राजा क्या है इस एक्सरसाइज का नाम बताओ। सोना, उधर रूम में भी सोना, पानी में भी सोना है। राजा तो एकदम पूरा मस्त मस्त तैर रहा, मछली बन गया। मैं भी जाती हूँ, मैं भी थोड़ा सा करूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी वापस, बिकॉज आई डोंट नो टू स्विम। और ये बहुत ज़्यादा डीप है। बहुत डीप है क्या? नहीं नहीं, जंप जंप पप। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, अरे पैर ही नहीं लग रहा है। कहाँ है? हाँ, लग जाएगा लग जाएगा। बस यार बहुत डीप है यार, बस ऐसे ऐसे मैं टो करके रखी हूँ। सो वी आर हैविंग फन। ये यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो मैं फ़ोन रखने आई हूँ अभी यहाँ पे, और फिर हम लोग थोड़ा सा मजाक करते हैं वहाँ पे, एंड देन विल मीट यू गाइस थोड़ी देर में जब बारिश रुक जाएगी तब। हम लोग गीले गीले हो गए। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी चेकआउट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग का रात का फ्लाइट है अराउंड 5 o'clock, तो हम लोग को यहाँ से निकलने पड़ेगा 2 बजे, और अभी बजा है 10। बागा भी जा रहे हैं थोड़ा, लास्ट टाइम हम लोग घूम के आ जाते हैं फिर के आ जाते हैं। आई एम गोइंग डाउन, राजा नीचे वेट कर रहा है, एंड लुक एट माई आउटफिट। हम लोग को बहुत जल्दी आना पड़ेगा बिकॉज रूम बहुत खराब हो रखा है, और राजा तो लेटेगा आकर मेरे को ही पूरा साफ करना है। एकदम तबाही आ रखी है रूम में। बागा बीच के आसपास में कुछ लोग होते हैं जो कि टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, तो राजा यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहा है ताकि रात को हम लोग को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग बुक कर सके उन्हें। हम लोग गए थे अभी टीटोज लेन, और वहाँ पे हम लोग सोनम के लिए कुछ कपड़ा उपड़ा भी देख रहे थे बट पसंद नहीं आया कुछ, उसको व्हाट्सएप देखना था बट कलेक्शन उतने अच्छे नहीं थे, एंड देवर लाइक ओके मुझे ही नहीं पसंद आ रहा था तो उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, राजा स्कूटी लेने गया है यार। इधर पे है कितना सारा, रोक दो कहीं पे साइड में। ये है वो क्वाड सेट जिसपे मेरी नजर बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो आई थॉट कि सोनम को शायद अच्छा लगेगा, अंदर चलते हैं। चलिए तो ड्रेस जो कि अच्छा लग रहा है, गुड। ऐसे राजा जो है सोनम को दिखा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग एक शॉप में घुसे हैं सोनम के लिए, बट वी डोंट नो, राजा उसको दिखा रहा है कपड़ा कि पसंद आया कि नहीं। अगर वो बोलेगी यस तो ओके फाइन, यहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज वी गो टू द डिफरेंट शॉप। क्या बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगा सोनम को? अच्छा लगा, ये अच्छा है, बोला पहना हुआ अच्छा लग रहा है। ये व्हाइट कलर का छोटा सा लेंगे, ये बड़ा सा लेंगे, सारे ऐसे ही। बस अंदर भी जा सकते हैं मेरे को लग रहा है।
हम लोग ड्रीम कैचर खरीदने के लिए यहाँ पे एंटर किए थे, बट लुक एट द आइटम्स विच आर देयर, इतने सुंदर आइटम्स थे. वी गॉट क्वाइट कन्फ्यूज एंड देन वी आस्क्ड द भैया कि भैया विच वन शुड वी बाय. तो उन्होंने हम लोग को ये चीज़ सजेस्ट किया एंड द कलर कॉम्बिनेशन वॉज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो देन वी परचेज्ड इट. ये पसंद आया ना, पर ये अच्छा भी लग रहा है, क्यूट सा है. तूने फाइनली कुछ तो लिया है यहाँ से. यहाँ पे बैग अच्छा लग रहा है. ये पीछे वाले हाँ. तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान लिया है, हम लोगों ने बैग खरीद लिया है यहाँ से. जब बैग खरीदा है थोड़ा थोड़ा फुगी के लिए भी ले लिया और मैंने अपने लिए भी लेके रख लिया. जस्ट अभी पहुँचे हैं रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं डिनर. 11:30 हो गया है डिनर कर कर. जब तक पैकिंग करेंगे तब तक डिनर भी रेडी होकर आ जाएगा और उसके बाद में खाना खाएंगे. एक मशरूम फ्राइड राइस कर लीजिए. नाम नंबर 201. हम लोग आ गए हैं, पैकिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, पर उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि हम लोग जब क्रूज में गए थे तो हम लोग का फोटो खींचा था. तो यह है एक फ़ोटो जो कि हम लोगों ने क्रूज से बनवाई थी एंड दिस इज़ वन फ़ोटो. राजा वॉज लाइक लेट्स बाय. वैसे तो फोटोज हम लोग फ़ोन में खींचते ही है बट ये भी एक मेमोरीज के लिए रहेगा. के पीछे ऐसा भी है हैंग करने के लिए, टिल्ट करने के लिए, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके करने का है. टाइम टू चेक आउट दिस ब्यूटिफुल रिजॉर्ट. अर्ली मॉर्निंग कन्फ्यूजन हो गया था, दो टैक्सी ड्राइवर्स आए थे हम लोग को ड्रॉप करने के लिए. लगता है रिजॉर्ट वालों से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी सुबह सुबह. ये सफ़र तो काफ़ी अच्छा था गोवा का. इस टाइम हम लोगों ने बारिश एक्सपीरियंस किया, देन हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे टाइम से पहले. जाने कितना बड़ा कांड कर दिया. गलती तो मेरा ही है भाई, चाहे कुछ भी हो. राजा ने उसको मना करना चाहिए था. मुझे लगा कि वो मेरे को बोला था एक्चुअली क्या ना, 2 बजे का मुझे कॉल करना था उसको कन्फर्म करने के लिए, पर मुझे होटल वाले ने कंफर्म किया तो मैं बोला ठीक है. राजा ने दो दो टैक्सी को बुला दिया इतना रात को. तब मान गया क्योंकि दोनों एक ही ओनर का था. ओके सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ टर्मिनल बिल्डिंग एट गोवा एयरपोर्ट दाबोले. 3 दिन पता नहीं कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला. हम लोग ऐसा लगा जैसे अब भी आए गए और इतना तुरंत क्यों जा रहे हैं. हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे. कहाँ जाने का है राजा? कहाँ पे? ई. चलो राजा को चाय पीने का मन कर रहेगा इतना सुबह सुबह. राजा ने तो सही नींद अपना कंप्लीट किया है पूरा 2 घंटे का. मैं तो टेंशन में लेटी थी, आधा घंटा बस मैं लेटी. ऐसे फिर कॉल आ गया रिसेप्शन से कि मैम ये टाइम हो गया है ना, तो कि मुझे और सोना है. आई कैन सी अ फैंसी स्टोर. मैं चले क्या वहाँ पे गया चाय के बारे में पता करने के लिए, बिकॉज उसको बहुत भयंकर वाली तलब हो रही है. चाय का तो और कॉफ़ी का तो प्राइस ना सब जगह पर सेम है. चाय पॉइंट में भी सेम है. चाय पॉइंट में भी सेम है, यहाँ पर एक इडली शॉप है वहाँ पर भी सेम ही है और यहाँ भी सेम है. ताकि कोई खरीदे ही ना. हाँ. दूसरा सोचेगा मेरे जैसा कि चलो ये वाला काउंटर मैंने दूसरे काउंटर पर पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कम ही होगा. और स्मार्ट खेले ये लोग. हैशटैग खेल गए. टाइम अभी हुआ है बस इतना ही और मुझे राजा की बातें सुननी पड़ेगी. राजा और बोलो और क्या बोलना चाहते हो? और कुछ नहीं. या वो भैया जो है ना कैब वाले भैया, वो लोग इतना जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे थे ना. मैं भैया को बोली भैया प्लीज़ धीरे चला, हम लोग के फ्लाइट में भी बहुत टाइम है. धीरे धीरे चलाया फिर अभी इतना जल्दी पहुँच गया. मैं इतनी ज़्यादा वेली बैठी हूँ कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया है यहाँ पे. वाला जो दुकान है
उस दुकान में कोई बैठा हुआ नहीं है। एंड ये पंखा, लुक एट द फैन, इट इज वेरी लार्ज इन साइज, आई डोंट नो व्हाई। वहाँ पे KFC है बट वो KFC बंद है, और यहाँ पे राजा है और राजा फोन देख रहा है। सो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व की है। और अभी टाइम हो गया है 5:15, विल लैंड बैंगलोर कितना बजे की टू? 6:50. मैं पर आता हूँ तो उतना टाइम नहीं लगा था, जाता हूँ बहुत टाइम लगेगा क्या? नहीं, आते अब तो 45 मिनट्स में पहुँच गए थे हम लोग। We reached around 45 minutes. ये बीच वाला है, लैंड कर गए बैंगलोर। एंड अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स आर वेरी खतरनाक फ्लाइट्स हैं। लाइक जैसे ही हम लोग बैठे फ्लाइट में, हम लोग पता भी नहीं चला कब हम लोग सो गए और कब हम लोग पहुँच गए। अगेन हम लोग टर्मिनल 2 में लैंड किए हैं और राजा बोरे ख्वाहिश ही ख्वाहिश पूरा हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ये क्या है, एयरपोर्ट खत्म नहीं हो रहा है? तुम चाहते तो खत्म हो जाए। वो देखो, वो गिरा था उधर अभी। क्या बात कर रहे हो। काफी बड़ा एयरपोर्ट है, इतना देर से हम लोग चले जा रहे। बेल्ट नंबर 7 आ ही नहीं रहा है। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या? आई एम वेटिंग हियर बेल्ट नंबर 8 के पास। हम लोग को वैसे तो कहा गया था कि बेल्ट नंबर 7 के पास में हमारा लगे जाएगा, देन 8 के पास लगे जाया है, तो आई एम वेटिंग देयर। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।